सकता है वो एक जगह से दूसरे जगह ना पुल होगा ना पुश होगा, तो यहाँ पे इसमें एक और वर्ड जुड़ेगा, टेंड टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर फोर्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे एन एक्सटर्नल इनपुट दैट इज पुल्ड और पुश्ड। अब मान लीजिए छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम है, तो हम लोग थोड़ा सा धकेलेंगे तो कहाँ चला जाएगा, अपना पोजीशन डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये दीवार है ना, अगर हम इसको धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुश दिस वॉल, देन वी आर अनेबल टू पुश इट। हम लोग इसको कोशिश करते हैं ये दीवार को पुश करने का, तो हम लोग पुश करने में अनेबल हो जाते हैं, तो क्या ये फोर्स नहीं है? है। तो मतलब ये फोर्स का मतलब ये हो गया, फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल सकता है या बदलने की प्रवृत्ति रखता है। क्लियर? कोई दिक्कत? आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल यस, आ रही है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, सपोज कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इधर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है। तो अगर कोई बॉडी जो है वो अपना पोजीशन डिस्प्लेस करता है, तो उसको दो चीज लगता है, पहला इंपोर्ट लगता है, दूसरा टाइम भी क्यों होता है, ठीक है। बॉडी को इंपोर्ट लगता है और उसका टाइम भी होता है। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि एक दूसरा एग्जांपल था कि अगर हम फोर्स कोई ऑब्जेक्ट भी लगा रहे हैं, क्लियर, फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है, लेकिन ये बॉडी जो है ना वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रही, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी को तो डिस्प्लेस होना चाहिए, तो क्यों नहीं होगा वो बॉडी डिस्प्ले, क्यों नहीं होगा? तो एक्चुअली ना, जब हम फोर्स लगा रहे हैं ना, तो एक अपोजिट फोर्स उधर से भी लगता है, तो अपोजिट फोर्स वो आता कहाँ से है? तो उसमें अपोजिट फोर्स जो होता है वो उसी में हिडन रहता है, ठीक है। हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो हैवी ऑब्जेक्ट होने के कारण वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो बॉडी मूव नहीं कर पाते। क्लियर? अब देखिए, और अगर हम टैक्स ऑफ फोर्स के बारे में जाए, टाइम्स ऑफ फोर्स के बारे में, तो बहुत तरह का फोर्स होता है, जैसे होता है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, बैलेंस होता है, क्या है। अब पहले कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, और अनबैलेंस्ड देखिए, कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग जैसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो पुश और पुल करने में हम लोग का जो हम लोग का जुड़ाव जो होता है उस बॉडी से हो जाता है, मतलब उसको हम लोग टच करते हैं, टच करते हैं, टच करके या तो धकेलते हैं या तो खींचते हैं। सपोज आप एक व्हीकल को पुल कर रहे हो, तो वो व्हीकल अगर गाड़ी पे हम लोग धकेलेंगे वो टच होता है, तो चूंकि टच करके हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इनपुट लगा रहे हैं, तो वो हो गया कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, या खींच भी रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। तो कॉन्टेक्ट फोर्स आप लोग अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है क्या? तो आप सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर ले जाके आप छोड़ दीजिएगा, तो आपने तो ऐसा नहीं किया ना कि उसको नीचे दबा दिया, प्रेस किया, आपने प्रेस नहीं किया हो, आप केवल उसको ले जाके छोड़ दिए हो, वो बॉडी जो है वो फिर क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी आप बोलो, तो वो
वो तो नीचे की रहेगी। तो सपोज कीजिए कि जब हम उसको फोर्स लगाए नहीं, नीचे धकेले नहीं, तो नीचे गिरा कहाँ से? कोई बता सकते कहाँ से गिरा? ग्रेविटेशन फोर्स की तरह। वेरी गुड, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो है वो बॉडी क्या हुआ, नीचे गिरा। तो वही हो गया ना नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। उसमें हम लोग उस फोर्स क्या किए, हम लोग को ना धकेले, ना प्रेस किए, ना और किए, तो वो नीचे चला गया। इस तरफ तो मैंने कहा कब एग्जाम्पल दिया थे, इफ वी टेक मैग्नेट, अगर हम लोग मैग्नेट लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव पोर्शन जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक फोर्स उसमें लगता है, और लाइक फोर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस को रिपेल करते हैं। तो चूंकि वो कॉन्टेक्ट में होते ही नहीं है फिर भी वो रिपेल करते हैं, और कॉन्टेक्ट में होते नहीं है फिर भी वो अट्रैक्ट करते हैं। तो वहां पे भी ये नॉन कॉन्टेक्ट। अब बात रही बैलेंस क्या है, सपोज कि अगर कोई गाड़ी है, मान लीजिए कि गाड़ी, अब क्या है ना कि एक आदमी इधर से पुश करता है, एक आदमी जो है वो इधर से पुश लगा रहा है, अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये इधर का भी फोर्स 5 न्यूटन का है। आपको पता है कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? पता है कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, दोनों मतलब बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी ना? नो। लेकिन क्या हो जा रहा है, ये बॉडी जो है बैलेंस है। बैलेंस है इसका मतलब ये हो गया कि ना वो पुशिंग हो रहा है ना पुलिंग हो रहा है, मतलब ना हिल रहा है ना डुल रहा है, जो भी हो रहा है वो क्या है, अस्टेबल है। ये जो है वो स्टेबल है, ठीक है मैडम? ऊपर ऐसे चले में अगर कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला अकेले वाले जब पुश करने वाले दो कोई हैं, ये भी 5 न्यूटन का पुश लगा रहे हैं, ये भी 5 न्यूटन का पुश लगा रहे हैं, और इधर से ये को 5 न्यूटन का पुश लगाया जा रहा है, उस केस में ये बताइए आपकी ये बॉडी क्या होगी? देखिए ये एक बॉडी थी, ये एक कार, सपोज कीजिए, सपोज दिस इज अ कार एंड टू ऑफ दी पर्सन आर पुशिंग दिस कार फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड देयर फोर्सेस ईच हैव 5 न्यूटन, प्रत्येक आदमी के पास 5 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है? 5 न्यूटन का फोर्स है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग का फोर्स जो लगाया जा रहा है वो 10 न्यूटन का लगाया जा रहा है, क्लियर? और इधर से जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 5 न्यूटन का लगाया जा रहा है, ठीक है? अब बताइए ये बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? बॉडी मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड, बॉडी मूव करेगी। देन this body or the force is known as what is unbalanced force। समझ में आया आप लोगों को कि ये contact force क्या है, non-contact force क्या है, balanced force क्या है, unbalanced force क्या है? अगर इसी इसमें किन्हीं को दिक्कत बता सकते हैं? No sir। Very good। Then we are going to study about laws of motion and law of motion is related to फोर्सेस। वो फोर्स पे ही, फोर्स से ही संबंधित है वो, हम लोग जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे देखिए अगर किसी को पता है इफ समवन नो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देन एक्सप्लेन इट। किसी को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाइड होना बहुत जरूरी है। गुड, बट इट शोस योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज नॉट योर जब तक किसी फर्स्ट लॉ मतलब किसी बॉडी बॉडी किसी बॉडी तब तक रेस्ट में रह सकता है जब तक किसी उस पर कोई फोर्स ना लगे, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। यू हैव आंसर्ड वेल, आपने सही उत्तर दिए। जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो अगर स्टेट उसका जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। वेल वेल, यू आर डिफाइनिंग वेल। देखिए अगर कोई बॉडी मतलब मोशन में ही है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है,
और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रिमेन ही रहना चाहता है तब तक जब तक कोई उस पे बाहरी बल ना लगे, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ मोशन, आप बॉडी इनको हम लोग ऐसे लिखते हैं, द स्टेट ऑफ आ बॉडी वन रिमेन रिस्ट और इन मोशन, वेल इन मोशन unless अगर an external force नहीं लगाया जाए, an external force नहीं लगाया जाए, that means an external force isn't applied। यही है the state of a body once remain rest or in motion unless an external force is isn't applied, ठीक है। अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। जैसे कि हम लोग अगर देखें कोई पत्थर हम लोग यहाँ से फेंकते हैं तो देखिए पत्थर फेंकते हैं तो वो तो मूवमेंट में ही होना चाहिए, तो रुकना नहीं चाहिए, फिर भी वो रुक जाती है, तो आप बताएं कि कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है। देखिए अगर कोई हम पत्थर फेंके तो वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, मोशन में है तो वो चलते, वो पत्थर कहीं रुकना ही एकदम सीधे एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में वो चले जाना चाहिए, लेकिन वो पत्थर जो है एक जगह पे जाकर रुक जाती है। एयर हमारे एनवायरनमेंट में, एयर जो है ना एटमोस्फेयर में, वो क्या हो रहा है ना कि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा दे रहा है, घर्षण बल लगा दे रहा है, हिंदी में उसको घर्षण बल बोलते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाती है, गिर जाती है। तो यही यहाँ पे देखिए, वो पत्थर हम फेंके गिर गया, तो गिर गया यहाँ पे पत्थर फेंका गया, यहाँ जाकर के गिर गया, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर पत्थर फेंके तो वो चलते चला जाना चाहिए तब तक जब तक वो एक्सटर्नल फोर्स उस पे काम ना करे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पे तो लग रहा है ना, यहाँ पे एयर पार्टिकल है ना बहुत सारे, तो वो क्या कर रहे हैं, घर्षण बल लगा दे रहे हैं और उसको रोक दे रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा, और इसी को हम लोग जानते हैं इनर्जिया के नाम से, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। जड़त्व दैट मीन्स इसका तीन तीन फॉर्म होता है। पहला क्या है, अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है अ स्टेट ऑफ मोशन, तीसरा है अ स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तीसरा स्टेट ऑफ डायरेक्शन मतलब इनर्जिया ये तीन चीज की बात करती है, करता है। अगर कोई बॉडी और जाकर के एक फॉर्मूला ड्राइव आगे जाकर के हो जाता है हायर एजुकेशन में जाकर के, ये तीन चीज के कारण, वो तीन चीज अगर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में चलते चला जाएगा, अगर कोई डायरेक्शन में है ठीक है तो वो डायरेक्शन में ही जाएगा। मान लीजिए अगर ईस्ट डायरेक्शन में जाया है तो ईस्ट में ही जाएगा, वेस्ट में है तो वेस्ट में ही जाएगा, नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही जाएगा, और साउथ में है तो साउथ में ही जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में ही जाएगा, वो सर्कुलर भी उसका डायरेक्शन बन सकता है। मान लीजिए हमारा प्लेनेट जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण वो गोल गोल इस प्रकार से घूम रहे हैं, तो यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं तो ये एक का एक डायरेक्शन है कि वो यही अपना इस डायरेक्शन पे इस पाथ पे वो घूमते थे रहेगा। तो क्या रीजन है, तो वो स्टेट ऑफ डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन ही है सर्कुलर। अगर उसका स्टेट होता तो वहां से क्या हो जाता, वो निकल जाता, छटक जाता वहां से, सुनना रे बात। तो वो वहां भी ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड इनर्जिया, यानी
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इनर्शिया भी बोल सकते हैं, इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ये इनर्शिया समझ में आया? तीन चीज बात करता है। पहला बात करता है स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगा। दूसरा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी डायरेक्शन में है तो वही डायरेक्शन में रहेगा। यही है इनर्शिया। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया जो है वो सेम है। कोई दिक्कत किन्हीं को? प्रॉब्लम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पूछेगा कि क्या इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम है? तो ये सेम है। वहां से आगे जाकर के लोग फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है बहुत सारा। क्लियर है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहना रहेगी तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, बॉडी मूविंग में मूविंग में रहना चाहती है तब तक जब तक उसके बाहरी बल काम ना करे। क्लियर? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में किन्हीं को प्रॉब्लम? क्या मेरी आवाज जा रही है आपके पास? नो सर, आवाज नहीं जा रही है सर। क्लियर है? क्लियर है। ओके वेल, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? तो ये देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिला दिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम directly proportional। नहीं नहीं, हम थोड़ा पढ़ा रहे थे, बिजी थे। देखिए ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम है क्या? फोन करते डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए मोमेंटम जो होता है वो समझिए कि कोई बॉडी का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम को ऐसे डिफाइन किया गया, पहले आप मोमेंटम को इससे पहले समझ लें कि मोमेंटम को डिफाइन किया गया है वेक्टर पी से। अब यहाँ पे एक भी समस्या आ गई, वेक्टर कहाँ से आ गया? तो वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर जो है वो केवल मैग्नीट्यूड उसमें मिलता है, मैग्नीट्यूड बोले तो उसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, वो मिलता है। और वेक्टर में इसका फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसमें इसका दो पार्ट है, एक है स्केलर, एक क्या है स्केलर, एंड दूसरा क्या है वेक्टर है। अब देखिए ये स्केलर मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू है। और यहां पे देखिए वेक्टर, वेक्टर क्या है? यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जरा सा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। कार जो है ना, अगर कोई कार 5 न्यूटन के, दैट मीन्स 5 किलोमीटर प्रति मिनट चल रही है, ठीक है, ऐसे किलोमीटर प्रति आवर होता है 5 यूनिट में। आप उसको मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर चल रही है, तो अगर उसमें डायरेक्शन आपको नहीं शो किया गया है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। और 5 किलोमीटर प्रति आवर से आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, या
ईस्ट साउथ में जाना है, इस तरह से बोला जाएगा तो वो वेक्टर हो जाता है, उसका क्वांटिटी जो होता है वेक्टर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शन भी होता है और एक मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन रहेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है। खैर अभी इसके बारे में हम लोग मतलब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और भाई वेलोसिटी क्या है, चलिए मास को हम समझ लें कि किसी बॉडी का जो भार होता है ना, वेट होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो मास हो गया। बट वेलोसिटी कहां से आएगी, वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए वेलोसिटी भी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होती है। आप लोग स्पीड जानते हैं, स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन डज एनीबॉडी नो एंड से टू मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, वेल वेरी गुड। तो इसी प्रकार व्हाट इज स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही जैसा है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को यहाँ पे ये डिनोट करते हैं। और देखा जाए फिजिकल मतलब फिजिक्स की भाषा में तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए पहले, ठीक है, डिस्टेंस हमको पता है और अगर टाइम हमको पता है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, देखिए अगर कोई बॉडी ना यहाँ पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक चला जाए तो ये हो गया डिस्टेंस हो गया। यहां से डिस्टेंस मान लीजिए कुछ हमको मिलेगा, देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए ए से बी तक जो है वो 10 मीटर है डिस्टेंस, एक बॉडी यहां से यहां पहुंच गई तो इसका दूरी 10 मीटर है, तो ये डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर हो गया। अब सेम वैल्यू यहां पे वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी यही चीज है, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए बॉडी यहां पे ए है और यहां बॉडी बी है, वेट वेट यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर क्या हो गया ना, फिर ये वापस आ गया 4 मीटर, वापस आ गया 4 मीटर। तो अभी फाइनली बॉडी यहाँ पे नहीं रुकी है, वही प्लेस पे वापस आ गई, ये बॉडी 10 मीटर तक गई और फिर ये वापस यहाँ पे जब पहुंचे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी फिर बी पे आ गया है। जैसे बॉडी ए मतलब बॉडी जो है स्थान ए से प्लेस ए से लेकर यहाँ तक 10 मीटर तक गया, फिर वापस यहाँ 4 मीटर वापस आ गया, तो इसको 4 मीटर जो वापस आ गया तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होगा। तो यही फर्क है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, अगर इसको हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से देखते तो डिस्टेंस जो है वो 10+4 मीटर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे यहाँ 10 मीटर गया है वापस 4 मीटर आया, तो टोटल जो हुआ टोटल फिजिकल क्वांटिटी जो है इसका वो 10+4 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हम लोग को बोलता है कि नहीं, जो उसका फाइनल चेंज रहेगा, फाइनल चेंज यहाँ पे है, ठीक है, बॉडी यहाँ पे यही पे है, तो डिस्प्लेसमेंट का कहना है जो न्यूनतम दूरी होगी, जो न्यूनतम दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी हो गया, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस वो नहीं है, डिस्टेंस जितना दूर कवर किया वो डिस्टेंस है। तो आप लोग को समझ में आया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? जी बिल्कुल। हेलो, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए ये जो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, देखिए मोमेंटम जो है, मोमेंटम प्रीवियस क्लास में भी हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, बट मैं थोड़ा सा एक रिवाइज कर दिया हूँ, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो यही से ड्राइव होता है, मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे ए पे है, ठीक है, बॉडी ए पे है
और यहाँ बॉडी जो है वो प्लेस बी पे पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे है और वही बॉडी यहाँ पे चला गया, तो बताइए ये अपना प्लेस चेंज किया कि नहीं किया। ये बॉडी यहाँ पे चली गई, बोलिए ये प्लेस चेंज किया कि नहीं किया, चेंज किया। तो बोला है यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले हमको बताइए कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसका प्लेस, कोई नहीं बोल रहे हैं। हेलो, फिर से पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बॉडी जो है वो प्लेस ए पे है और यही बॉडी जो है वो मूव होके प्लेस बी पे चली गई, ठीक है। अब बताइए ये बॉडी यहाँ से चली गई, यहाँ से यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो ये अपना प्लेस चेंज की कि नहीं की, प्लेस चेंज हुआ, प्लेस चेंज हो गया ना। तो प्लेस चेंज हो गया तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए मोमेंटम पी वन, पी इनिशियल होगा यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे मोमेंटम जो है पी फाइनल पे चला गया, यहाँ पे फाइनल मतलब फाइनली यहाँ पे जो है वो रुक गया और इनिशियल पे मतलब यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का कहना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, कहाँ का शुरू कर दिया मैंने, वो जुड़ा नहीं बोली क्लास में, क्लास वाला है। देखिए ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक चली गई, तो हम लोग अगर चेंज निकाले कितना बदलाव आया, तो डिस्टेंस तो बदल गई, फाइनल पोजीशन मोमेंटम का, फाइनल पोजीशन में कितना तैयार करना है मोमेंटम का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। मोमेंटम का फाइनल पोजीशन में हम घटाए मोमेंटम का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया, ये निकल गया अब देखिए, अब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे तो जरा देखिए, इसको हम लोग प्लेटिनम ले सकते हैं, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंटम इनिशियल का माइनस मोमेंटम फाइनल का बटा पी का, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शन हटाने के लिए, प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं, यहाँ पे जैसे कांस्टेंट का गुना होता है ना, तो कांस्टेंट यहाँ मास से रिलेटेड है, जैसे बॉडी का रिलेशन मास से यहाँ पे होता है, ठीक है, द्रव्यमान से होता है, तो इसीलिए के ना लेकर के एम ले लिया जाता था कि हर बार वहां पे मास दिया हुआ रहता है, के नहीं दिया हुआ रहता है, तो के की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर जनरली हम यहाँ पे ऐसे ही देखें विदाउट प्रोपोर्शन, अगर प्रोपोर्शन नहीं हटा रहे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, मास इंटू वेलोसिटी वन, हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी वन माइनस मास इंटू वेलोसिटी टू बटा टाइम, ये लिख सकते हैं यहां प्रोपोर्शन में। अब देखिए मास चेंज क्यों नहीं हुआ, मास चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही बॉडी ना यहाँ पे गया है, तो बॉडी में तो कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं है, केवल क्या हुआ है इसका मोमेंटम, दैट मीन इसका ये वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ है, तो वेलोसिटी को चेंज करेंगे। और हम लोग साइंस के फिजिक्स के भाषा में पढ़ चुके हैं, दैट मीन
फाइनल पोजीशन एक होता है फाइनल पोजीशन और एक होता है इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल पोजीशन को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए कि ये फाइनल पोजीशन है तो इसको हम वी लिख सकते हैं और ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यू लिख सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे एफ तो लास्ट में है तो आपको फाइनल पोजीशन भी यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको चेंज निकाल रहे हैं तो चेंज मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो पी एफ माइनस पी इनिशियल, एफ बोले तो फाइनल, आई बोले तो इनिशियल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम कॉमन लेंगे मार्क्स को तो यहाँ पे क्या बचेगा, b माइनस यू बटा में p, ठीक है। और अगर हम देखें एक्सेलरेशन भी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में जो भी हुआ है। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी होता है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम इन टू वी माइनस यू बटा टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये वी माइनस यू बटा टी के जगह पे हम लोग जो है वो ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो एम ए का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम m ना मान कर कॉन्स्टेंट तो कुछ भी मान सकते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे f बराबर k इंटू एम इंटू ए मानते हैं, तो कॉन्स्टेंट को वहां पे 1 रखा गया है। ये 1 क्यों रखा गया है हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, और यहाँ पे ड्राइव हो जाता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये सेकेंड लॉ से ड्राइव होता है, यही है सेकेंड लॉ मोशन न्यूटन का, ठीक है। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग चले जाते हैं। अच्छा किन्हीं को पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थोड़ा बहुत बताएं आप जो जानते हो। देयर इज इक्वल रिएक्शन ऑन बोथ साइड, एक साथ तो एक्शन और रिएक्शन एक साथ होता है। क्लियरली बोले फिर से एक बार, एक्शन एंड रिएक्शन इज अपोजिट रिएक्शन, या मतलब उसमें जो होता है ना प्रत्येक एक्शन के लिए वो इक्वल और अपोजिट होता है। एवरी एक्शन क्या होते हैं, वेरी गुड, सही बोले आपको, वही चीज है एक्शन एंड रिएक्शन, वही चीज है, हां सही बोले आपने। इंग्लिश में वही चीज को हम लोग बहुत तरह दो सेंटेंस में उसको चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब उसका जिसका स्थिति होता है क्रिया और प्रतिक्रिया जो है बराबर और विपरीत होती है, वही चीज है। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है, फॉर एवरी एक्शन, प्रत्येक एक्शन के लिए क्या होते हैं, फोर्स इज always equal and opposite। अब मैं कुछ जानना चाहता हूं आप लोग से, ये तो क्लियरेंस हो गया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है प्रत्येक एक्शन के लिए वो इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है, तो कुछ एग्जांपल्स आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। जी अगर हम लोग वाटर में तैरते हैं तो उसमें हम लोग जब तैरते हैं हम लोग अपना फोर्स लगाते हैं, तो वहां भी पानी के द्वारा वाटर के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, दैट मीन्स हम एक्शन कर रहे हैं तो वहां हमें रिएक्शन मिल रहा है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्ट करता हूँ। समन मोर, कोई और
ठीक है आपका वेरी गुड एक्शन रिएक्शन वहां पे वो गन से जब बुलेट निकलता है या मजल मजलन पॉइंट कॉइल वो भी है कोई और एग्जांपल जब गन से बुलेट निकलता है वेरी गुड वही है मजल और कॉइल एक गन से जब बुलेट निकलता है तो वहां पे हम लोग फिजिक्स की भाषा में मजल और उसको कॉइन बोला गया है जैसे ही वो गन से छोड़ा जाता है मतलब बुलेट जब निकलता है तो वो जस्ट उतना ही फोर्स में वो वापस पीछे की ओर धकेलता है और धकेलने पे क्या होता है वो बुलेट आगे निकल जाता है और हम लोग को झटका लगता है झटका महसूस होता है तो वहां पे जितना फोर्स आगे लगता है उतना ही फोर्स पीछे रॉकेट रॉकेट भी न्यूटन थर्ड लॉ पे आधारित है क्या रॉकेट जो वर्क करता है रॉकेट जो निकलता है वेरी गुड तो बहुत इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझ गए कि क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन और भी हम लोग गांव घर में हम लोग जब देखते हैं कि बुल कार्ट हॉर्स कार्ट क्या होते हैं ना कि बुल बैल जो होते हैं और घोड़े जो होते हैं अपने पैर को पीछे की ओर ले आते हैं तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है ये भी एग्जाम्पल हो गया मतलब तरह तरह का नंबर ऑफ एग्जाम्पल शुड बी गिवन लॉज ऑफ मोशन थ्री लॉ थर्ड लॉ ऑफ मोशन Understood. ये आप लोग समझ गए अब यहाँ पे यही बात चल रहा होगा कि सर मतलब मींस आपने तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक ड्राइव किया फॉर्मूला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तो क्या इससे भी कोई फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है क्या तो हाँ आगे हम लोग एक फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है कंजर्वेशन लॉ ठीक है तो फिजिक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ड्राइव भी आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बॉडी तो उसमें क्या होता है ना कि फोर्स वन जो होता है वो बराबर होता है फोर्स टू के लेकिन क्या होता है अपोजिट होता है तो साइन माइनस में लगता है और इस तरह से जा करके यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ बराबर एफ वन बराबर एम वन और ए वन लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस में एम टू और ए टू करते हैं और इस तरह से आगे जाते जाते हम लोग ड्राइव करते हैं ड्राइव थोड़ा सा कर ही देता हूँ देख लीजिए आप लोग जैसे हम लोग एम वन बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्रीवियस क्लास में कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी होता है ये चीज आप लोग प्रीवियस क्लास में अच्छी प्रकार से पढ़ा है ठीक है तो देखिए यहाँ हम लोग ए वन की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं बी वन माइनस यू वन बटा टी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे एम टू रहेगा ठीक है और यहाँ पे हम लोग v2 माइनस u2 बटा t2 पुट कर सकते हैं t एक मिनट t तो टाइम तो सेम लगता है ना t नहीं होता चेंज नहीं होता टाइम टाइम सबके लिए बराबर होता है तो यहाँ पे ये t और ये t कट जाता है यहाँ पे बचता है m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस में m2 v2 प्लस में माइनस इनटू प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और m2 u2 इस प्रकार से है तो ये इधर आ जाता है जैसे m1 v1 इधर आगे प्लस में हो जाएगा ये m2 v2 बराबर में m2 दिखाई पड़ेगी ना m2 v2 और ये नेगेटिव में इधर पॉजिटिव में आ जाता है m1 u1 तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन और भी फॉर्मूले मतलब ड्राइव किए जा सकते हैं इससे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को लेकर के उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है कि अगर कोई बॉडी कोई मान लीजिए दो बॉडी है बॉडी ए मान लीजिए ये है और बॉडी बी मान लीजिए ये है ठीक है मान लीजिए इसका वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा है इसका वेलोसिटी कम है तो ये अगर इसका वेलोसिटी अगर ज्यादा है और इसका वेलोसिटी कम है आगे जाकर के क्या होंगे आपस में टकरा जाएंगे ठीक है टकराने के बाद फिर क्या होगा टकराने के बाद फिर क्या होगा ये पोजीशन पे आ जाएंगे जो पोजीशन में पहले थे मतलब ये दोनों का सुनी नहीं ये दोनों का मोमेंटम हेलो हेलो मनीष जी सर हेलो 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 मनीष हाँ मनीष आपका टाइम कितना है कुछ टाइम देख रहे हैं कितना हो लग रहा है टाइम सामने सामने वीडियो ऑन कीजिए अपना वीडियो ऑन कीजिए हेलो हाँ आपका टाइम कितने में कितने मिनट का क्लास है ये 40 मिनट का
कितने मिनट का? 40 मिनट का. आपका 40 मिनट हो गया कि अभी कितना देरी बाकी है 40 मिनट में? कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट हो चुका तो उस टाइम को ध्यान में रख कीजिए, क्योंकि जब कहीं पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ पे टाइम लिमिट होता है ना, कि एक क्लास के लिए जितना समय निर्धारित रहता है उतना ही पढ़ा सकते हैं. आपको हम टाइम देख रहे, कुछ टाइम ज्यादा हो गया. और जो स्टूडेंट थे, हाँ, मैंने अलार्म लगा के रखी थी सर, वो अलार्म शायद वो रिंग नहीं हो पाई. हमको लगा कि कुछ टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा हम आपको रुके. चलिए थोड़ा सा इनके पे कुछ लोग फीडबैक दीजिए, अपना अपना फीडबैक दीजिए, इनके इनका कैसा रहा आज का टीचिंग, बोलिए. जी सर, बढ़िया रहा सर, इतना एक्सप्लेनेशन भी बढ़िया रहा, इंट्रोडक्शन क्लास के लिए बढ़िया रहा इनका ऑल ओवर. लेकिन ऑल ओवर ठीक ही है, बढ़िया. और कोई, और कोई बताए इनके बारे में कुछ? सर एक्सप्लेन अच्छे से किया गया टॉपिक को, फॉर्मूला के साथ बताया गया, एग्जांपल देकर बताया गया, वो ज्यादा अच्छा था. ठीक, और कोई कुछ बताएगा? चलिए ठीक है, हम बताते हैं. देखिए मनीष जी, आप जो पढ़ाए, जो एक साइंस का टीचर होता है, जैसे किसी तरह का उदाहरण देना, बताना पूरा ब्लैक बोर्ड का यूज करके कि कौन सा बल कैसे लगता है, क्या कर होता है, आपका जो जो शिक्षा प्रक्रिया रहा है बहुत अच्छा रहा और बहुत प्रभावी रहा. जितना चीज आप बताए हमको लगता है कि लगभग सब लोगों को समझ में आया होगा. और इसी तरह आप पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए और पढ़ाते रहिए. बाकी आपका कहीं से ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको लगता है कि डिमेरिट है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे, कहीं कहीं आवाज फंस जा रहा था जिसके वजह से हमको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ. बट जितना सुनाई दिया जैसे भी हुआ बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा आपका सब कुछ रहा. ठीक है, अगला कौन आएगा? ठीक ठीक, अगला कौन आ रहा है? अगला कौन स्टूडेंट आ रहा है? आइए एक क्लास करिए. जी सर, कैमरा सेट करें. कौन आ रहा है? जी सर, हम पंकज सर आ रहे हैं. अच्छा ठीक है, आइए पंकज. चलिए शुरू कीजिए अपना क्लास. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग सर. हाउ आर यू? फाइन सर. चलिए आप लोग बताइए, किसी गार्डन में आप लोग गए हैं ना, गए हैं क्या? यस सर. उस गार्डन में कहीं देखें क्या, ये 3 सेगमेंट का बना हुआ, ये जस्ट लाइक देखिए फिगर पे, बोर्ड पे, कहीं कहीं गार्डन में देखते होंगे, कहीं ट्री वगैरह होगा या किसी डिजाइन वगैरह बना होगा, तो किसी 3 सेगमेंट के द्वारा ऐसा कवर किया हुआ बना होगा, कहीं देखें ऐसा क्या? यस सर. क्या बोलते हैं इसको? बता सकते ये ट्रेंगल, हम लोग देखते हैं ये ट्रेंगल में कभी कभी इसका लंबा, इसका लेंथ ज्यादा रहता है, कभी इसका कम रहता है, कभी इसका ज्यादा रहता है, ऐसा देखते हैं ना? हाँ देखते हैं जी. तो अगर अगर ये लेंथ के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, ये साइड के अनुसार, तो बताइए साइड के अनुसार ये ट्रेंगल है वो लगभग कितने पर, एक दो एग्जांपल दी तो साइड के अनुसार जो ट्रेंगल होता है उसके
स्केलेंट ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जी बिल्कुल सही, ये स्केलेंट ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक राइट ट्रायंगल भी होते हैं। तो राइट ट्रायंगल हम लोग इंक्लूड कर, ये स्केलेंट ट्रायंगल में ही आते हैं। चलिए आप बता सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल का ये एरिया क्या होता है, का फॉर्मूला? Half into base into height. 1/2 into base into height. 1/2 into B into H. B into H. चलिए, तो ये राइट ट्रायंगल में ये हम लोग किसका ये फॉर्मूला हो गया राइट ट्रायंगल का। अब राइट ट्रायंगल ये राइट ट्रायंगल का हो गया। दैट मीन्स अगर राइट ट्रायंगल ना हो, राइट ट्रायंगल ना हो, दैट मीन्स इसको देख लीजिए, ये राइट ट्रायंगल है क्या सर? साइड का लेंथ पता नहीं है। नहीं, साइड का बिल्कुल, साइड का अगर लेंथ पता ना भी हो, लेकिन एंगल को हम लोग, एंगल को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं ना कि एक ट्रायंगल है। अगर फिगर में रहे, फिगर अगर दिया हुआ है और फिगर में अगर एंगल से साइड अगर ना भी रहे हो, ना भी रहे और एंगल डिनोट है, तो पता चलेगा ये राइट एंगल है कि नहीं से? नहीं बनता है तो ये राइट एंगल नहीं होगा। दैट मीन्स इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो सकता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जी बिल्कुल, तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला। हम लोग को पता है तो क्या आवाज आ रही है? कर रही है इस तरह ये ऐसे ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो राइट ट्रायंगल ना बनता हो, उसके एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट ट्रायंगल के बारे में बताया। ये राइट ट्रायंगल है, देखिए ये राइट ट्रायंगल है, दैट मींस ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो इसका हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए, दैट मींस कितना क्षेत्रफल ये कवर किया हुआ है, इसका फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है एक। इसके बाद बेस के आधार पे देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बोलते किसको है? ऑल साइड्स आर इक्वल। जी बिल्कुल, एक ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड आर इक्वल, मतलब हम लोग ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। जस्ट लाइक देखिए, ट्रायंगल ट्रेंगल ए बी सी है, क्या ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल ए बी सी में आप लोग देखेगा ये ऑल साइड ए बी बी सी और ए सी, ऑल साइड क्या है,
होल सैट इक्वल है यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए सी. अगर इस तरह का ट्रायंगल हम लोग को मिलता हो तो इस तरह का ट्रायंगल क्या होता है, इक्वी लेटरल ट्रायंगल. तो इसका सर किने का आवाज ये आता है इनका, थोड़ा बोलिए जवाब समझ. तो इनका अगर एरिया फाइंड करना हो, इसका एरिया है, इनका एरिया अगर फाइंड करना हो तो इनका एरिया क्या होता है, क्या इसके फॉर्मूला पे बनेगा क्या? नहीं ना, नहीं तो बनेगा. हम लोग इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, विरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे. चलिए बिल्कुल सही, उससे भी बना सकते हैं. लेकिन और देखिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. इस पर क्या कहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. जब परपेंडिकुलर ड्रॉ की किसके समझ, बीसी के समझ, तो बीसी के समझ के तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है क्या? बनता है, बनता है. तो ये बनता है, तो अगर 90 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें या 90 डिग्री का एंगल बन गया तो ये राइट ट्रायंगल बना क्या, ए बी डी, ये ए बी डी ये राइट ट्रायंगल बना जी, बन गया जी. राइट ट्रायंगल ये बना. तो ये अगर हम ए बी डी का फॉर्मूला क्या इसके बेस पे बनेगा, क्या राइट ट्रायंगल के बेस पे बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा. लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, अगर हाइट को फाइंड करना होगा पहले, क्या जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर का वैल्यू जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि नहीं जी. अगर ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और अगर ये भी 6 सेंटीमीटर था, तो 6 सेंटीमीटर ये भी था, 6 सेंटीमीटर ये भी था, तो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बीसी को, तो बीसी को ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या है, ये बीसी टू पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक पार्ट बीडी और एक पार्ट बीसी. तो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा ना, और ये 3 सेंटीमीटर. तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी दो साइड हम लोग अगर पता चल गया तो ये तीसरा ये थर्ड साइड है, ये हम लोग थर्ड साइड पता चलेगा ना. इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 वहां ट्रायंगल ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना, याद है ना आप लोगों को, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या बताता है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, दोनों को हम लोग एड कर देंगे तो इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर. यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का कोण यहाँ बना है तो हाइपोटेन्यूस कोण होगा, ए बी होगा, ए बी होगा ना. यस सर. एनीवन से यहाँ अगर हाइपोटेन्यूस ए बी हो गया और बेस बी डी हो गया और हाइट हो गया ए डी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ये हम लोग ए डी स्क्वायर, ए सी नहीं, ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े थे ना राइट ट्रायंगल का. तो यहां से देखिए ए बी हम लोग को, ए बी हम लोग को पता है 6 सेंटीमीटर, बी डी हम लोग को पता है, तो ए सी निकलेगा ना, एडी निकलेगा ना. जब तक एडी निकल जाएगा तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस भी हम लोग को पता चल गया और हाइट भी हम लोग को निकल जाएगा. तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी हम लोग इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकाल सकते हैं. जब हाइट अगर हाइट अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, इसे भी निकाल लेंगे. लेकिन इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का
इससे हम बोलो कि लॉन्ग प्रोसेस, अगर हम लोग फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो हम लोग राइट ट्रेंगल के बेस पर हम लोग इसको भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एरिया हम लोग को इक्विलेटरल ट्रेंगल का फॉर्मूला ही अगर ध्यान रहे तो इससे आसान होगा हम लोग को बनाने में, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रेंगल का? अंडर रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर। एक जो हो अभी एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ये होता है ना? यस सर। तो अगर हम लोग का फॉर्मूला पता है इक्विलेटरल ट्रेंगल जिसके जिस तीनों साइड अगर इक्वल हो, अगर ये फॉर्मूला अगर पता है तो ठीक है इससे सोल्व हम लोग कर लेंगे। अगर इसका ये फॉर्मूला अगर पता ना हो तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने अगर टू साइड तीनों साइड अगर हम लोग पता है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये परपेंडिकुलर का हाइट होता है उसको फाइंड कर लेंगे। वो फाइंड करने के बाद हम लोग हाइट जब पता चल जाएगा तो ये राइट ट्रेंगल पर बन जाएगा। अगर अगर ये फॉर्मूला ना पता हो, अगर ये पता है तो हम लोग आसानी से इस पर ही बना लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, आइसोसेल्स ट्रायंगल मींस समद्विबाहु त्रिभुज, इसका हिंदी में क्या होता है समद्विबाहु। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम लोग को बोलते हैं क्या समबाहु, और आइसोसेल्स ट्रायंगल का क्या बोलते हैं समद्विबाहु। तो ये बता सकते हैं समद्विबाहु ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है कैसा होता है? टू साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड्स आर अनइक्वल, बेस साइड्स अनइक्वल रखते हैं। ये आइसोसेल ट्रायंगल क्या समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलता है? ए ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल एंड वन साइड आर अनइक्वल, दैट मींस इसका जो बेस साइड होगा क्या बराबर नहीं होगा और ये बाकी जो दो टू साइड होगा, दैट मींस अगर ये फिगर को देखें तो एक्स वाई इक्वल है किसका वाई जेड का, और ये वाई जेड क्या है ये दोनों ट्रायंगल से डिफरेंट है। तो ये इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे बोलिए, ये ट्रेंगल क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो इसका अगर हम लोग को एरिया फाइंड करना हो, इसका एरिया फाइंड करना हो तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? b बटा 4 इनटू 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जी बिल्कुल, अगर दोनों फॉर्मूला अगर हीरोन फॉर्मूला और जो भी फॉर्मूला किसी ने बताया अगर दोनों फॉर्मूला अगर हम लोग माइंड में ना हो तो भी तो हम इसको फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इस केस में भी क्या करेंगे जो केस हम लोग यहाँ ड्राइव कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कर रहे थे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे थे, यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या दो साइड अगर इक्वल है तो दो साइड इक्वल के बीच का जो एंगल होता है उससे लेके जो बेस पे बेस वहां यहाँ कौन है वाई जेड, तो बेस पे क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद यहाँ भी क्या बन जाएगा ये राइट ट्रायंगल दोनों साइड बन जाएगा, और राइट ट्रायंगल जब बन जाएगा तो राइट ट्रायंगल जब बनने के बाद हम लोग अगर ये दोनों साइड बता रहा दोनों साइड गिवेन है थर्ड साइड भी गिवेन है तो दो साइड गिवेन रहने के बाद ये थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम में से अभी जो यहाँ बताए पाइथागोरस थ्योरम से भी ये हाइट निकल जाएगा ना जी, तो हाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इससे हाइट जब निकल जाएगा तो हाइट जब निकल जाएगा तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसका हाइट जब निकल जाएगा तो निकल जाने के बाद क्या होगा ये राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला पर बैठा कर हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे और ये इससे भी ये फॉर्मूला इसका एरिया निकल जाएगा। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में ना हो तो अगर इसका फॉर्मूला ये अभी हीरोन का फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स जिसका साइड अगर इक्वल ना हो तीनों साइड उस ट्रायंगल में जो बनता है उस केस में हम लोग उस केस में हम लोग बनाएंगे ही
लेकिन अगर वो भी फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में ना हो, लेकिन राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लोग को माइंड में हमेशा सेटअप रहता है थोड़ा, तो सही सेटअप रहता है अगर पता ना हो, लेकिन ट्रायंगल के बारे में पता हो कि दो साइड इक्वल है, अदर साइड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग उस केस में अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड करना दो दे तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बेस के पैरेलल, बेस के समझ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसका हाइट फाइंड कर लेंगे, और हाइट जब फाइंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला पर बिठा के इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ एक्स वाई जेड, ये आइसोलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला अभी किसी ने बताया, क्या होता है बताइए, बी बटा फोर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी बाय फोर अंडर रूट बोलिए, बी बाय फोर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैंने सही लिखा है आपके अनुसार? लग रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, लग रहा मतलब आपका कंफ्यूजन है जी, आपने सही बताया लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, बी बाय फोर फोर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है, लेकिन ये फॉर्मूला देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि रिमाइंड हम लोग याद रह पाए तो बढ़िया, याद रह गया तो क्लियरली हम लोग फॉर्मूला पर फूट करके सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद ना रहे उस केस में भी हम लोग इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं राइट ट्रायंगल के आधार पे, और इसके लिए क्या करना, इसके लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड होता है, और उससे फिर हाइपोटेनियस फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला से इसका हाइट फाइंड कर लेते हैं, और हाइट फाइंड करने के बाद ये राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठा कर इसका एरिया हम लोग फाइंड कर लेते हैं, अभी एग्जांपल से हम लोग सब सोल्व करेंगे, यहाँ सारा क्लियर कर देंगे। ये देखिए ये भी राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, आइसोलेशन ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, देखिए एक और ट्रायंगल जो हम लोग बताए कि जिसका इसमें क्या देखें, टू ये ऑल साइड आर इक्वल, मैंने तीनों साइड इसका बराबर था, इसमें देखें टू साइड बराबर, ऐसा भी होता है ना, ये बराबर है ना ये बराबर है ना ये बराबर है, अगर ये देखिए ये दो ना ये बराबर है ना ये बराबर है ना ये इक्वल है, तीनों डिफरेंट है ना, तो तीनों डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं कि इसमें इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा, अगर अभी इस जो यहाँ बताए और जो यहाँ बताए इसके अनुसार यहाँ भी सोच सकते हैं ना, कि अगर फॉर्मूला हम लोग को ध्यान ना हो, ये हीरोन का फॉर्मूला, तो इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लेकिन ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, दैट मीन्स इसका लेंथ ज्यादा है इसका लेंथ कम है, तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वो ये दोनों को क्या करेगा, इक्वल साइड में इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्या, इसको देखिए अगर आप सपोज कीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ना इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ना ही ये क्या है राइट ट्रायंगल बना रहा है, इक्वल ना इक्वल अगर दोनों को इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड ना कर रहा है तो इसे हम राइट ट्रायंगल के फॉर्मूला पर बैठाएंगे और सोल्व करेंगे, सोल्व करने को सोल्व कर देंगे लेकिन ये सही नहीं होगा, तो इस टाइप का जो फिगर आता है ट्रायंगल आता है तो इस टाइप को ट्रायंगल को का एरिया फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिशियन है हीरोन जिन्होंने एक फॉर्मूला को ड्राइव किया है, दैट मीन्स वो फॉर्मूला क्या है,
s into s minus a into s minus b into s minus c. That means a triangle in which एक भी साइड इक्वल ना हो, दैट मीन तीनों डिफरेंट हो, उस केस में अगर इस टाइप का ट्रेंगल का अगर हम लोग को एरिया फाइंड करने दिया दे हो, तो एक मैथमेटिशियन जो मिस्र से आते हैं, उन्होंने ये फार्मूला उनके लिए ड्रा किया कि इस फार्मूला के बेस पे इस टाइप का जो ट्रेंगल आएगा उनका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे. तो इसी फार्मूला जो फार्मूला इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ये जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो इस फॉर्मूला का ड्राफ्ट किया एक मैथमेटिशियन जी किया जो मिस्र से आते हैं, तो उनका नाम ही हीरोन था, उनका नाम हीरोन था, तो उसी के नाम पे इसको हीरोन फार्मूला हम लोग को बोलते हैं, याद रखते हैं उन्हीं के नाम पे, उनका नाम ही है. तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ एस देखिए, एस क्या है, ए बी बी सी और ए सी, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एनीवन से, ये ए बी बी सी और ए सी तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट मींस जोड़ देते हैं, तो ये क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर. दैट मींस किसी भी ट्रायंगल है या और कोई शेप का है, उसकी टोटल लेंथ को हम लोग एड कर देते हैं, दैट मीन्स वो टोटल लेंथ क्या हो जाता है, उस शेप का क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है. दैट मीन्स देखिए, इस शेप में ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों को अगर हम लोग एड कर दे रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये तीनों को एड कर दिए, एड करने के बाद जो आता है तो ये क्या हो जाता है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाता है. तो एस यहाँ क्या है, एस यहाँ सेमी पैरामीटर है. तो सेमी पैरामीटर मीन्स सेमी कहने का मतलब आधा, दैट मीन्स ये पैरामीटर जो हम लोग को निकलेगा उसको हम लोग टू से डिवाइड करेंगे, और दैट मीन्स ये देखिए एस इक्वल टू क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ए बी सी, अगर ए हम लोग इसको मान ले सी, S equal to क्या लिखे, A equal to B equal to C, A B C क्या है, side of the triangle. That means जो perimeter total होगा, वो perimeter को two से क्या किए, divide किए, ये two से जो divide किए वही इसका क्या हो गया, semi perimeter. और S यही है, A क्या हो गया, side of the triangle, B भी side of the triangle, और C भी क्या हो गया, side of the triangle. तो इस formula से इसका area निकल जाएगा ना, कोई बताइए. यस ये हम लोग थ्री टाइप का ट्रेंगल बताए, ऑल साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल, और यहाँ एक भी साइड इक्वल ना हो. तो तीनों साइड का एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग यहाँ इस फॉर्मूला में कहीं कंफ्यूजन है या और भी तरह कोई दिक्कत बताइए. नो सर. एनीवन से. नो सर. अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल लेके सब सॉल्व करते हैं, तो हम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हम लोग यहाँ फार्मूला देखें, और भी फार्मूला अगर फार्मूला ध्यान में ना रहे तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल के बेस पे हम लोग कैसे बना सकते हैं उसको हम लोग यहाँ देखें. लेकिन हम लोग ये इसका हम लोगों के माइंड में तभी सेटअप होगा जब हम लोग इस पर अभ्यास करेंगे, दैट मीन्स हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला आप लोग नोट किए? जी सर.
देखिए सपोज कीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी एनी ट्रायंगल इज गिवन, और इसका साइड क्या है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड इसका क्या है इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। तो अभी हम लोग ने हम लोग बताए क्या बताए कि अगर ये इक्वल इक्वल तीनों साइड है दैट मीन्स ये कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, एनीवन से इक्विलेटरल है। तो अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग बताए ना, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला अंडर रूट 4 अंडर रूट में 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गिवन क्या दिया है, वन साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दैट मींस बोले अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, यही ना होता है। क्या करेंगे ये अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे 100 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये 25 टाइम में कट जाएगा, कितना बच गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला। किनको सॉल्यूशन है प्रॉब्लम, किनको ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। क्या किया ये फॉर्मूला पुट किए, फॉर्मूला पर ए स्क्वायर था, ए का वैल्यू पुट किए, और ये ए का वैल्यू पुट करने के बाद ये देखिए एक जगह 10 था तो 10 का हम लोग स्क्वायर कर दिए, मैन मीन 10 × 10 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 100 को क्या किए, 4 से कट किए 25 टाइम में, कट जाने के बाद कितना बचा 25√3 था, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक बेस्ट। अगर सपोज कीजिए इसको नोट कीजिए आप लोग, अगर सपोज कीजिए ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में ना हो, ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में ना हो, क्या बताएं इसके पहले हम लोग को ध्यान में ना हो तो क्या करेंगे, किसी पे किसी के बेस इसमें क्या कर सकते हैं, किसी के बेस में हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, या तो हम लोग बीसी के बेस पे करें या एसी के बेस पे करें या ये देखिए अब ये राइट ट्रायंगल बन गया बना कि नहीं, जब राइट ट्रायंगल बन गया तो ये पूरा बीसी, देखिए बीसी 10 सेंटीमीटर था तो इनका नाम हम लोग कर रहे थे डी, तो बीसी 10 सेंटीमीटर था तो इसको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद टू पार्ट में डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर होगा, किसी का जवाब नहीं आ रहा है। Yes, अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस पता चल गया, पता है ये अगर ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल के सामने एंगल के सामने का जो साइड होता है हाइपोटेनियस ये बेस, इसका हाइट निकल जाएगा ना पाइथागोरस फार्मूला से। यस सर। दैट मीन्स इसका एडी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर। इसके पहले बताइए, पहले ये हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बताइए, एबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एबी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ये देखिए एबी कितना है 10 सेंटीमीटर, एडी कितना है, एडी का हम लोग को फाइंड करना है, बीडी देखिए बीडी कितना है, ये कितना हो जाएगा 100
सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एडी का स्क्वायर एडी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है, 25 का हम लोग इक्वल के इधर ये साइड लाएंगे, इक्वल के अदर साइड लाएंगे तो ये इधर पॉजिटिव में इधर आएगा नेगेटिव में जाएगा ना, कोई बताइए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर कितना करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एडी है, एडी स्क्वायर है, अगर सिर्फ एडी लिखेंगे तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर अगर स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो क्या करेगा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 75 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर राइट, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर था, हम लोग स्क्वायर को हटाए तो स्क्वायर ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर भी हटेगा ना, तो ये सिर्फ सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को दिक्कत है ये हाइपोटेनस निकालने में, किन्हीं को दिक्कत? नो सर। अब देखिए एडी एडी पता चल गया ना, एडी अंडर रूट 25 सेंटीमीटर, तो देखिए इसका अगर हम राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा सा देखिए एडी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये देखिए एडी 25 हो गया, ये एडी 25 इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए भी है ना दोनों के लिए ना है, यस सर, तो दोनों के लिए है, लेकिन हम लोग को ट्रायंगल में निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस कितना है 10 हो गया, अब ये बताइए बेस हम लोग 10 लेंगे या 5 लेंगे, 10 लेंगे जी बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ हम लोग बेस 10 लेंगे, 10 क्यों लेंगे, अगर हम लोग 5 10 लेंगे ना बेस से हम लोग अगर 5 लेंगे तो हम लोग ट्रायंगल ए बी डी निकल जाएगा, क्योंकि ये बेस यहाँ से इतना ही का डिस्टेंस बता रहा है, अगर यहाँ बेस हम लोग 5 लेंगे तो ये ट्रायंगल का निकल जाएगा ए बी डी, और जब ए बी डी निकलेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों को निकालना है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, तो ट्रायंगल ए बी सी का निकालना है दैट मीन्स हाइट तो अभी फाइंड करेंगे 20 अंडर रूट 20 75 और बेस ए बी सी में बेस क्या है बी सी है, तो बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग बेस कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर और ये कितना निकल गया अंडर रूट 25 सेंटीमीटर, ये एच आया था ना यहाँ, इसको सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर अंडर रूट, ये इसको तो कितने करेंगे कितना होगा 5 × 5 × 3 सेंटीमीटर अंडर रूट करेंगे 1/2 इंटू 10 25 इंटू 5 है अंडर रूट से एक बार आएगा ना, यस सर 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर सिर्फ 5 आ जाएगा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10 ये 5 टाइम कट जाएगा, ये 10 कितना बच गया 5 × 5 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों से निकालने हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकालनी है, कितना आया 22/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे भी हम लोग निकालनी है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं आया, यस सर, तो दोनों का आंसर सेम आया, तो लेकिन इसका हम लोग अगर फॉर्मूला ध्यान में ना नहीं रहेगा तो क्या थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा, प्रोसेस बढ़ेगा क्योंकि एक वर्क हम लोग के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग इसके लिए हाइट को फाइंड करना होता है तो ये वर्क हम लोग के लिए बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग फाइंड तो कर सकते हैं, किसी को दिक्कत?
किसी को दिक्कत है क्या? नो सर। थैंक यू। समझ में आ गया ना सर का ये सोल्यूशन? समझ में आ गया ना? मिटा दें इसको जी, जवाब दीजिए। चलिए सर, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये घड़ी नहीं था सर, हम देखे नहीं कितना मेरे चालू किए सर, मतलब टाइम अगर भंग हो इधर बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही सर। सर बहुत अच्छे से समझ में आया। सब अच्छे समझ में आया। इनका कोई मेरिट डिमेरिट कुछ बताइए, कुछ ऐसा कुछ लगाओ। सर मेरिट ये है कि एक ही चीज को सॉल्व करने का ये दो तीन तरीका बताएं जो हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। सर आवाज आपके सर की नहीं आती सर। आवाज ही फट गया। छतों पर नहीं जाता। अब तो आवाज नहीं आ पा रहा है सर, फिर से दीजिए। हेलो। हाँ सर बिल्कुल सर, अभी आ रही है वैसे। हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ पंकज के बारे में थोड़ा फीडबैक दीजिए आप लोग, बोलिए कैसा रहेंगे क्लास बताइए आप लोग। सर क्लास अच्छा रहा। एक्सप्लेनेशन सर फॉर्मूला का मतलब प्रूफ करने का बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा लगा देखकर, कुछ सीखने को भी मिला। और कुछ, और कोई कुछ बोले इनके बारे में? सर बहुत सारे दो तीन मेथड बताएं वो ज्यादा बेनिफिशियल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा हाँ ये चीज इनका एकदम अच्छा रहा। ठीक है हम बताते हैं पंकज, आपका पढ़ाने का तरीका जो है सब कुछ अच्छा रहा। हम देखिए आप जो ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे थे, प्राय देखा जाता है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड यूज करता है तो इतना लिखने लगता है उसमें कि कई अक्षर किसी में सट जाए, इधर चला जाता उधर चला जाता है। लेकिन आप ब्लैक बोर्ड यूज करिए बहुत अच्छा से, और जो लाइनिंग करके इधर का उधर करके लिख रहे थे वो बहुत अच्छा था, और जो लिख रहे थे स्पष्ट क्लियर सीधा। और ये सब चीज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। तो आपका सब कुछ अच्छा रहा ब्लैक बोर्ड पे बनाए, और सबसे अच्छा रहा कि आप देखें हम पॉइंटर का प्रयोग किए, पॉइंटर से भी समझा रहे थे ये चीज ऐसे है, चीज ऐसे है। तो ये सब चीज देखने से लगता है कि हाँ आप पूरे तैयारी के साथ शिक्षण कर रहे हैं। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा रहा। ठीक है इसी तरह करते रहिए, बहुत अच्छा रहा। ठीक है अगला कौन आ रहा है? सर हम रेडी हैं।
रेडी हैं? यस सर। चलिए ठीक है, क्लास लीजिए। हेलो। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों मैं स्टार्टिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप किसी ने बिल्डिंग को बनते देखा है? बिल्डिंग देखे हैं? यस मैम। कोई भी आंसर दीजिए। आप बिल्डिंग को बनते देखे, घर बनते देखे हैं? यस मैम। घर को बनाने में क्या क्या सब्सटेंस यूज होते हैं, कौन कौन सी सामग्री यूज की जाती है? ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट। कंक्रीट हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आती है आपकी आवाज, रुक रुक के आती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा एक ऐसा चीज है, फंडामेंटल कौन सा ऐसा चीज है कि अगर वो नहीं रहेगा तो घर नहीं बन सकता है? वाटर। वाटर मैम। वाटर। वाटर वाटर दीजिए। किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए फंडामेंटल चीज बताइए। वाटर भी सही है, और आगे बताइए। आप बताइए, अगर ईंट नहीं रहेगा, ईटा नहीं रहेगा तो क्या आपका घर बन सकता है? नहीं, ऑल हम सभी को मानते फंडामेंटल। हाँ सर, सभी को मान सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है? ईटा है। उसी तरह मैं आपसे आपको बताना चाहती हूँ, किसी भी एलिमेंट का बनाने के लिए जो फंडामेंटल चीज है वो क्या है? हमारा एटम है। तो बच्चों आज मैं आप सभी को एटम के बारे में पढ़ाऊंगी। कोई बताइए, जो ये एटम आपको एक वर्ड नजर आ रहा है, ये किस वर्ड का है, किस लैंग्वेज से लिया गया है? कोई जानते हैं जो एटम है वर्ड, वो कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच है, लैटिन है, क्या है, ग्रीक है? जहां तक हमको जानकारी लैटिन है, पता नहीं। रॉन्ग आंसर बच्चों, जो ये एटम वर्ड है हमारा, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से मैम। सही वर्ड। जो इस एटम का मतलब क्या होता है आप ये समझिए। एटम होता है जो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है? किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम एटम बोलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप बताइए कि मैटर से आप क्या समझते हैं? मैटर क्या समझते हैं आप लोग? मैटर मतलब पदार्थ। एवरीथिंग इज मैटर, जो चमकीला होता है। जो चमकीला होता है, जो मैलिएबल होता है। हाँ आप लोग सही बता रहे हैं। मैटर वो होता है जिसकी क्या, जो ऑक्यूपाई क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसे आप टच कर सकते हैं। मैटर के पास एक और चीज है, ये क्या होता है? मास होता है, वेट होता है। वेट। हाँ वेट, बिल्कुल वेट, मास। वेट होता है, मास होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। आप जानिए जो एटम होता है, किसी भी मैटर का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये एटम ऐसी चीज है, इसके बिना हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। आपके आस पास कोई भी चीज है, क्या चीज का बना हुआ है? सब मैटर का बना हुआ है। आप जिस पे बैठे हैं, आप फोन को टच किए हुए, सब कुछ क्या है, एटम का ही बना हुआ है, मैटर है सारे चीज। तो बच्चों मैं आपको प्लेन में बताना चाहती हूँ, एटम होता क्या है। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते है। एक ऐसा पार्टिकल है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। आप सभी समझते हैं इनडिविजिबल का अर्थ? बताइए कोई अलग अलग, जिसको तोड़ा ना जा सके। बताइए और कोई, जिसको तोड़ा ना जा सके। एकदम राइट आंसर, जिसे तोड़ा नहीं जा सके। ये एटम ऐसा है कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, फर्दर
ओके मैम क्या हो सकता है क्या फर्दर नॉट ब्रेक ब्रेक नहीं हो सकता है और ये ऐसा पार्टिकल है जो आप बताइए क्या एटम का साइज आप देखिए आपके किसी ने एटम को देखा है एटम कितने बड़े होते हैं उनका साइज कैसा होता है ये बहुत तीनी होती है और नेक आई से देखने में दिक्कत होती है हाँ एटम को हम लोग क्या है एटम इतने स्मॉल होते हैं जिसे हम लोग खुली आंख से देख नहीं सकते उनका साइज बहुत ही छोटा रहता है देखिए किसी भी एटम को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा सेपर यूज करते हैं स्फीयर का यूज करते हैं क्या यूज करते हैं स्फीयर का स्फीयर है जिसे हम एटम के रूप में दिखा रहे हैं इस जो स्फीयर के अंदर क्या है जो अंदर सारा ये जो आप एरिया देख रहे हैं क्या रहता है एटम क्या चीज से बने होते हैं एटम होते हैं जो बने क्या चीज से होते हैं बता सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल किस चीज के बने होते हैं बताइए कोई मॉलिक्यूल किसी सबस्टांस का स्मॉलेस्ट पार्ट से बने होते मतलब जो टीनी पार्ट होता है वही ये सही है जो हमारे जितने भी ये एटम है ये तीन चीज से ही मिलकर बने हैं जब इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यही सारी चीज मिलेगी आप देखिए जो ये अंदर का जो स्पेस है जो मैसिव स्पेस है ये क्या चीज से भरे रहते हैं जो प्लेस आपको नजर आ रहा है क्या चीज के बने भरे रहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स है ये पूरा पॉजिटिव जो स्फीयर है ये पूरा हमारा क्या चीज से भरा पॉजिटिव चार्ज से भरा रहता है ये कौन सा चार्ज से भरे रहते हैं इसमें कौन सा चार्ज रहता है सब जगह प्रोटोन चार्ज रहता है प्रोटोन रहता है और जो ये हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज में क्या रहते हैं प्रोटॉन होगा ना ये सारे जो स्फीयर है ये हमारे क्या चीज से भरा हुआ है प्रोटॉन से राइट आंसर प्रोटॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का चार्ज हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव न्यूट्रॉन में क्या होता है नो चार्ज न्यूट्रॉन होता है कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन होता है चार्ज क्या होता है राइट बोले न्यूट्रॉन चार्ज होता है तो आप इतना जान लीजिए अगर किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे क्या होंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में और सेम नंबर ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे क्या न्यूट्रॉन होंगे आप लोगों को समझ में आया कि एटम में बेसिकली कितने पार्टिकल कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो ये एटम होते हैं इनका साइज क्या चीज पे डिपेंड करता है इसको मेजर क्या चीज पे करते हैं हम लोग जो आप ये देखिए ये हमारा क्या है ये एटम है तो जो इसका साइज हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग ये जो लाइन है जो अपोजिट टीम से कनेक्ट हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डायमीटर ऑफ द एटम क्या बोला जाएगा इसे एटम का डायमीटर और जो बीच में ये सेंटर है एटम के बीचों बीच जो सेंटर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम राइट आंसर न्यूक्लियस अगर हम लोग न्यूक्लियस मतलब सेंटर से ये लाइन एक एंड से टच करते हैं स्फीयर के आउटर सरफेस के एक एंड तक टच करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं रेडियस और क्या हमारा रेडियस ऑफ द एटम किसी भी एटम के रेडियस को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं मैंने आपको बता चुकी हूँ कि इस एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते आप किसी भी चीज से आप कंपेयर जब करिएगा एटम के साइज को तो आप सोच नहीं सकते कोई भी आपको एक ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं तो जो ये एटम होते हैं उनके रेडियस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं
एक नैनोमीटर, देखिए एक नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर हमारे कितने मीटर के इक्वल होता है, 10^-10 मीटर। यहाँ पे देख रहे हैं साइज क्या है, -10 मीटर है। बताओ कंपेयर कर सकते हैं, सोच सकते हैं इसका साइज कितना छोटा होगा? आप सोच सकते हैं, आप इसको इमेजिन करके देख सकते हैं कि ये एटम का साइज कितना छोटा हो सकता है। हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है, ये हमें कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको कुछ एटम्स के एटॉमिक रेडियस के बारे में बताती हूँ। हमारा आप बताइए, जो हमारे एटम है बहुत इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत से एलिमेंट भी करते हैं। कुछ एटम्स की मैं एटॉमिक रेडियाई बताती हूँ। जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है एटम? जो हमारा हाइड्रोजन है, कोई बता सकते हैं इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक रेडियस क्या है? 1। एनीवन? तो एटॉमिक रेडियस क्या है हमारा? 10^-10 मीटर। अगर आप इसे नैनोमीटर में करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर तो कितना नैनोमीटर होता है? 10^9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे इसका कितना रेडियस है? 10^-10 मीटर। मतलब आप इसको जब नैनोमीटर में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा? 10^-10 नैनोमीटर। कितना छोटा साइज हो गया? आप देख सकते हैं एक छोटा सा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन है, इसका साइज। इसी तरह बहुत सारा एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है। जो हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग सभी पर पानी पीते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं क्या हम लोग? बोलिए, कोई भी पानी के बिना कितने देर तक जिंदा रह सकता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं वाटर, उसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। राइट आंसर, H2O। तो आपको पता है ये H2O में क्या चीज का बना होगा? छोटे छोटे एटम का बना होगा। जो हमारा पानी भी है छोटे छोटे एटम का बना है, उस एटम का साइज क्या है? ये रेशियो इसका 2:1 है। रेशियो सही है, 2:1 है। दो हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पे, क्या है? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। आप प्रोपोर्शन तो सही बता रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं इसका साइज क्या है? 1 एटम ऑफ क्या है हमारा यहाँ पे? ऑक्सीजन है। 16 × 10^-10 नहीं, ऐसा नहीं है। इस एटम का जो रेडियस होता है आपने गलत बताया, इसका रेडियस हमारा क्या होता है? 10^-9 मीटर। आप इसको नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का कन्वर्जन मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट है, कंपाउंड है, जिसका एटॉमिक रेडियस आपको जानना चाहिए। आपने चींटी को देखा होगा, आपने चींटी देखी, सभी को चींटी देखे होंगे। ये भी चींटी क्या बने हुए है? सारे एटम्स के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? एटम्स के। तो इसके रेडियस क्या है? इसके जो एटम होते हैं कितने साइज के होते हैं? 10^-3 मीटर। उसी तरह जो हमारा बालू होता है, सैंड पार्टिकल हम लोग देखते हैं ना, घर बनाने में यूज करते हैं सैंड, उसका क्या साइज होता है? 10^-4। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस। जितना भी आप देखेंगे सबका साइज क्या है? छोटा ही है, किसी का साइज लार्जेस्ट नहीं है। हमारे जो एटम होते हैं इतने छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं उसके बावजूद इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारे कैसे एग्जिस्ट करना चाहते हैं? किसी पर डिपेंड होके नहीं, मोस्टली ये क्या इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। ये हमेशा क्या रहना चाहते हैं? अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे एटम है जो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। हमारे जो साइंटिस्ट है डॉल्टन का, जॉन डॉल्टन का नाम कौन कौन सुने हैं बताइए? जो जॉन डॉल्टन,
से जॉल डॉन्टन के नाम सुने हैं? जी मैम। हमारे जो जी जॉल डॉन्टन साहब है, हमारे जो जॉल डॉन्टन क्या है, एक ब्रिटिश, कोई आंसर दे रहे हैं? क्या आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? तो हमारे जो जॉन डॉल्टन वो कैसे केमिस्ट है? ब्रिटिश केमिस्ट है। और बेसिकली कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, किन्हीं को पता है? ब्रिटेन। रॉन्ग आंसर, ये इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। ये इंग्लैंड के रहने वाले, ये जो जॉन डॉल्टन थे ये क्या थे? एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो जब 12 साल के थे तो वो क्या बन गए, 12 इयर्स के जब थे तो वो क्या बन गए, टीचर्स, टीचर बन गए। उसके 7 साल के बाद वो क्या, 7 इयर्स के बाद वो क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। ये क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। ये जो साइंटिस्ट है 1766 में, इनका जो बर्थ हुआ था हमारा 1766 में हुआ था। हमारे जो जॉन डॉल्टन है, ये सारे एलिमेंट्स का क्या दिए, एक सिंबल दिए। जॉन डॉल्टन ने जो सारे एटम्स या एलिमेंट बोलिएगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सारे एलिमेंट्स को क्या दिए, एक सिंबल दिए। तो सारे सिंबल है सारे एलिमेंट के लिए क्या थे, डिफर थे, डिफर फ्रॉम, डिफर फॉर एवरी एलिमेंट। बताइए किस तरीके से डिफर हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं? जो सिंबल दिए हैं सब कोई क्या थे, दूसरे से डिफर थे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, हो सकता है डिफर होने का, कोई जानते हैं? चलिए जॉन डॉल्टन के द्वारा सिंबल बना देते हैं एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स का क्या, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। सारे जो एलिमेंट है उनको एक सिंबल के नाम से, वाई जॉन डॉल्टन। हमारा जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटम है, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हम एक सिंबल से भी जानते हैं। उस देखिए एक स्फीयर है, उसके बीच में क्या है, एक पॉइंट दे देंगे तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहेंगे। उसी तरह क्या है, एक गोल्ड है, बहुत सारे एटम है इसी तरह। गोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, सिंबल में चीज ध्यान में रखना है कि कुछ भी अपने से नहीं डालना है। ये जो डैश वाला लाइन है कितना होना चाहिए, मात्र 8 ही होना चाहिए, और बीच में क्या लिखा रहना चाहिए, हमारा जी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, डॉल्टन के द्वारा दिया गया गोल्ड के लिए सिंबल है। उसी तरह डॉल्टन के द्वारा बहुत सारे मर्करी हो गया हमारा, जो हम लोग मर्करी थर्मामीटर में यूज करते हैं। इसी तरह क्या किए मर्करी के लिए, इस तरह करके मर्करी के लिए सिंबल दिए। बहुत सारे एलिमेंट एटम है जिसके लिए वो सिंबल दिए, आयरन के लिए दिए। आयरन के लिए क्या किए, बीच में देखे आई दे दिए। इसी तरह बहुत सारे आप देख सकते हैं, बुक में देखिएगा, ब्रीफली देखिएगा, जो हमारे जॉन डॉल्टन साहब है सर, जो जॉन डॉल्टन साहब के द्वारा ये सारा सिंबल दिया गया था। हमारे एक साइंटिस्ट है वर्जिलियस है, क्या साइंटिस्ट का नाम है, वर्जिलियस, वर्जिलियस। ये भी क्या किए, एलिमेंट्स को नाम दिए, एलिमेंट्स का क्या किए, नाम दिए। किस बेसिस पे नाम दिए, ये बोले कि अगर किसी भी एलिमेंट का जो नाम है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे क्या सोडियम है, सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
सल्फर हो गया, बहुत सारे एलिमेंट है, और कोई नाम बताइए। कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, इसी तरह के बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। टोटल कितने एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में? टोटल कितने एलिमेंट्स है? 189 एलिमेंट्स है। ये सबका जो नाम दिया गया इनका एक तरीका बताए कि जितना भी सिंबल्स है किसी भी एलिमेंट्स का नाम कैसे दिया जाएगा। जो इनका फर्स्ट टू लेटर है ना, फर्स्ट टू लेटर का नाम दिया जाएगा, एलिमेंट्स के नेम से ही उसका सिंबल दिया जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है। वो बोले कि अगर हमको किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल देना है तो उसका फर्स्ट टू लेटर देखिए। यहाँ फर्स्ट टू लेटर क्या है, पहला सी है, दूसरा क्या है, ए है। जब भी हम किसी का भी एलिमेंट का सिंबल देंगे उसका फर्स्ट लेटर से देंगे, नहीं तो क्या, फर्स्ट टू लेटर से देंगे। इस एलिमेंट का सिंबल दो लेटर से दिया गया है, हमेशा जो फर्स्ट लेटर लिखा रहेगा हमारा किस केस में दिया लिखा रहेगा, जो हमारा फर्स्ट लेटर लिखा रहेगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट। ऑलवेज रिटेनिंग कौन सा, कैपिटल लेटर, मतलब क्या हुआ, अपर केज। जो हमारा सेकेंड लेटर यहाँ पे क्या है, ए है। जब भी हम लोग सेकेंड लेटर लिखेंगे उस कौन से कंडीशन में लिखेंगे, उसका कंडीशन क्या कहे हैं, सेकेंड लेटर के लिए क्या यूज करने बोले, हमेशा स्मॉल लेटर। जब भी हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे जो पहला लेटर रहेगा हमेशा कैपिटल में रहेगा, जो हमारा सेकेंड लेटर रहेगा हमारा कौन से लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर, मतलब जो उसका कंडीशन रहेगा हमेशा लोअर केज रहेगा। समझ में आया आप सभी को? जी मैम। जो एलिमेंट्स का सिंबल दिया गया है बस केवल यही एक तरीका नहीं है सिंबल देने का, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एलिमेंट्स किस प्लेस पे पाया गया उसके अनुसार दिए। कॉपर को, कॉपर जो नाम दिया गया है, कॉपर, तांबा, जो हम लोग बहुत सारे यूटेंसिल बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ये एक प्लेस है, क्यूप्रस, CYPRUS, उसके जगह से दिया गया है। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो सिंबल दिया गया है उसके स्पेसिफिक कलर के नाम पे दिया गया है। जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड का कौन सा कलर है, कोई बताइए, गोल्ड का कौन सा, क्या कलर है, स्पेसिफिक कलर क्या है गोल्ड का? गोल्ड जो आप पहनते हैं ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है, इसका कलर क्या है, येलो। इसका नाम किस बेसिस पे दिया गया है, कलर के बेसिस पे दिया गया है गोल्ड का। चलिए मैं आपको इसी तरह बहुत सारा नाम क्या दिया गया है, लैंग्वेज के आधार पे दिया गया है, कोई लैटिन भाषा से बिलोंग करता है, कोई जर्मन से बिलोंग करता है, उसके अनुसार से दिया गया। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का सिंबल दिया गया है Na, तो आप लोग सोचते होंगे इसका तो क्या, मैंने आपको जिस तरह से बताया इसका फर्स्ट टू लेटर यूज किया जाएगा, तो इसका फर्स्ट टू लेटर क्या होना चाहिए था, SO, लेकिन इसका हमारा जो सिंबल होता है Na होता है, तो जो Na दिया गया हमारे कौन से भाषा से दिया गया है, लैटिन वर्ड से दिया गया है। लैटिन में सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट्रियम बोलते हैं, इसका सिंबल हमारा नेट्रियम से आया है, नेट्रियम जो कि हमारा कौन सा लैंग्वेज है, लैटिन भाषा है। उसी तरह सिमिलर वे में हमारा जो पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम का सिंबल कोई बता सकते हैं, एनीवन, राइट आंसर के बताइए, के का ना, इसका नाम तो देना चाहिए पी, नहीं तो पी हो, इसका नाम सिंबल के क्यों दिया गया, इसको भी हम लोग लैटिन भाषा से ही लिए गए, के को भी किससे लिए गए, कैलियम वर्ड से लिया गया है, कैलियम कैसा है, लैटिन वर्ड है, इसका भी सिंबल हम लोग लैटिन वर्ड के से लिए है। और जब भी सिंबल लिखिएगा तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर आप के, अगर स्मॉल आप लिख देते हैं स्मॉल के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंबल का आंसर आपका गलत हो जाएगा।
को समझ में आया कि सिंबल किस तरह लिखा जाएगा? जी मैम। इसी तरह वर्जिलिया साहब ने सिंबल लिखने का कुछ तरीका बताया है। हमारे जो एक आयुपिक है, अब जितने भी एलिमेंट का डिस्कवरी किया जा रहा है उनका भी तो नाम लिखा जा रहा है, उसका बेसिस क्या है, कोई किन्हीं को पता है बताइए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट दिख रहा है, तो इसका भी नेमिंग किया गया है। किस बेसिस पे किया गया है, कौन इनका नेमिंग किए हैं? एक IUPAC, किन्हीं को इनका फुल फॉर्म पता है? किन्हीं को नहीं पता? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, आईपेक है क्या? किसी को पता है आईपेक क्या है? आईपेक एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे आपको जितने भी सिंबल्स दिए गए हैं, अब के दिनों में जितने भी एलिमेंट्स का नेमिंग किया जा रहा है आईपेक के बेसिस पे किया जा रहा है, जो मॉडर्न सिंबल क्या हो गया हमारे आईपेक के द्वारा, देख लीजिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल यूज किया गया है, कोई बताइए? बहुत सारा नेमिंग सिंबल देने का नेमिंग हो गया है आईपेक के द्वारा। जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहा है उसको कलर के बेसिस पे नेम किया गया है, उसके वर्ड के बेसिस पे किया गया है, आयुपिक के बेसिस पे किया गया, उनका तरीका नेमिंग करने का सिंबल का यही तरीका है। समझ में आया सभी को? आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। अच्छा ऐसा है तो बताइए ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं आपको एक एलिमेंट का नाम लिख रही हूँ ऑक्सीजन, इसका सिंबल क्या हो सकता है, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? ओ होगा उसका। चलिए ठीक है, उसी तरह आप बता दीजिए मैग्नीशियम। Mg। राइट आंसर Mg। किन्हीं को दिक्कत? नो मैम। सिंबल समझ में आया, सिंबल्स को लिखने का तरीका? यस मैम। तो मैं आपको बताती हूँ, जब बहुत सारे एटम है कंबाइन कर जाएंगे तो क्या होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ओ है। यहाँ पे भी ओ है, दोनों कंबाइन कर गए, क्या बना दिया हमारा? O2। ये एटम है, ये इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन एटम है, वो इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। इसलिए जब भी हम लोग ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो हम उसे एटम नहीं कर सकते, हमेशा जो गैस होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम है, ऑक्सीजन गैस बनाने में हमारे कितना एटम यूज किया गया है? दो एटम। हाँ तो सब क्या, दो एटम, राइट आंसर। तो हमारे जितने भी एटम है उसे एटम किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं उसके आधार पे एक नाम दिया गया है, उसका नाम है एटॉमिसिटी। क्या समझिए? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम का क्या करते हैं, जब एटम को कंबाइन करते हैं या कंस्टिट्यूट करते हैं तो उस प्रक्रिया को एटॉमिसिटी बोलते हैं। हां सो राइट आंसर, एटम को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में भी क्या गया है, बहुत सारे एटम क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जितना भी यहां पे क्या है, ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, 18 ग्रुप है। इस ग्रुप के जितने भी एटम है, हीलियम हो गए, नियोन हो गए, आर्गन हो गए, क्रिप्टन हो गए, जेनोन हो गए, रेडन हो गए, जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करते हैं। और सारे क्या रहते हैं, एक ही एटम रहते हैं।
है, जैसे हीलियम, या हीलियम टू नहीं, ये हमेशा हीलियम के फॉर्म में रहेंगे। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इसमें टोटल एटम कितने हैं? ये हीलियम है, इसमें टोटल एटम कितने हैं? एक ही है ना। जैसे आप ऑक्सीजन देखे तो ऑक्सीजन कैसे बना? ऑक्सीजन के दो एटम मिल गए तो क्या बन गया? ऑक्सीजन गैस बना। समझ में आया आप सभी को? यस मैम। समझ में आ रहा है एटॉमिसिटी क्या होता है? जी मैम। एटम किस रूप में कंबाइन करता है, अगर समझ में आ रहा है तो बताइए। देखिए यहाँ पे कितना एटम कंबाइन किया? दो एटम, इसलिए इसके कंबाइनिंग, इसको क्या बोलेंगे? डायटॉमिक। एटम को कंबाइन करने के प्रोसेस को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। अगर दो एटम कंबाइन करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? डायटॉमिक। अगर सिंगल एटम रहे, अगर एटम किस फॉर्म में रहे? सिंगल में, जैसे हीलियम रहता है, नियोन रहता है, आर्गन रहता है, क्रिप्टन रहता है, ज़ेनोन रहता है, सारे ग्रुप 18 एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं? मोनोएटॉमिक। देखिए इनके नाम से भी आप जान सकते हैं, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। एटॉमिक का मतलब क्या होता है? एटम होता है। अगर सिंगल एटम के फॉर्म में कोई एटम रहते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसकी एटॉमिसिटी को क्या बोलेंगे? मोनोएटॉमिक। अगर कोई एटम है दो दो के साथ में रहता है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो वो सब कैसे एटम है? डायटॉमिक है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हो गया, ट्राइटॉमिक है। हमारा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तीन। तो क्या ये ऑक्सीजन कैसे रहेगा? कोई बता सकते हैं? यहाँ पे तीन ऑक्सीजन का एटम कॉम्बाइन किया तो क्या ये ऑक्सीजन कैसी बनेगा? O2 प्लस O हो जाएगा मैम। नहीं, ये क्या है? ऑक्सीजन का कितना एटम है? थ्री एटम है। तीन एटम है। स्पेसिफिक नेम दिया गया है। इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? ओजोन। ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ये भी क्या है? गैस है। लेकिन जब ऑक्सीजन के थ्री एटम कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? ओजोन। समझ में आया आप लोग को? अगर तीन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? ट्राइटॉमिक। अगर दो ऑक्सीजन दो एटम कंबाइन करते हैं तो उसे ट्राइटॉमिक बोलते हैं। अगर थ्री ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? थ्री एटम ट्राइटॉमिक। ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब ही थ्री होता है, एटॉमिक मतलब एटम। आप नाम से समझ सकते हैं। हम आपको सिंपल वे में एक और बताती हूँ, एक चार्ट के द्वारा। मोनोटॉमिक कितने एटम होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताइए? सिंगल होते हैं। बहुत सर बताइए, मोनो का मतलब सिंगल होता है। सॉरी, सिंगल। एटॉमिक मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एटम। एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, राइट आंसर। उसी तरह बताइए आप लोग, डायटॉमिक दो एटम, डी आई मतलब क्या होता है? टू होता है। आप किसी का आंसर दीजिए तो पहले इसको स्प्लिट कर दीजिए, तब दीजिए इसका आंसर, ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। डाई मतलब टू होता है, एटॉमिक मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एटम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम टोटल कितना होना चाहिए? दो। उसी तरह ट्राई एटॉमिक हमारा रहेगा, इसको भी स्प्लिट करिए, ट्राई प्लस एटॉमिक, इसमें कितना एटम हो गया? थ्री। एटॉमिक मतलब क्या हो गया? एटम। इसमें कितना एटम होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा ट्राई एटॉमिक में? थ्री। अगर तीन से ज्यादा एटम आपको किसी कंपाउंड में मिल रहा है तो आप उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दीजिएगा, क्या बोलिएगा? पॉलीएटॉमिक। क्या बोलिए? पॉली का मतलब क्या होता है? पी ओ एल वाई, पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। एटॉमिक का मतलब क्या हो गया आपका? एटम। तीन से ज्यादा एटम रहेगा तो क्या आप लोग लिखिएगा? मोर देन।
मैम तीन से या चार पांच रहेगा तो उसका स्पेसिफिक नाम नहीं है। यहाँ पे एक कंपाउंड है CCl4, क्या नाम है? CCl4। सी किसके लिए? कार्बन के लिए। कार्बन का सिंबल हमारा क्या है? सी। यहाँ पे Cl किसका सिंबल है? हमारा Cl है, तो किसका सिंबल है? चार। क्लोरीन। क्लोरीन का है। अब क्लोरीन का कितना एटम है यहाँ पे? चार। वो इसका नाम क्या लिखा गया है? कार्बन। चार के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज होता है? टेट्रा। जैसे थ्री के लिए ट्राई यूज होता है, उसी तरह चार के लिए क्या यूज होता है? टेट्रा। यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम, इसमें क्या करिए आप? टोटल नंबर ऑफ आइटम काउंट करिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? पांच। दिखाई दे रहा बोर्ड पे? थोड़ा थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखिए यहाँ पे, कार्बन, कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है। कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है। क्लोरीन का कितना एटम है? चार एटम है। टोटल एटम कितना हो गया? चार एटम। कार्बन का कितना एटम है? वन एटम। क्लोरीन का कितना एटम है? फोर एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो गया हमारा? फाइव एटम। तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। मोनी, मोनी, मोनी। यस सर। हाँ चलिए ठीक है, अब टाइम आपका ओवर हुआ। यस सर। हाँ मोनी के क्लास का फीडबैक दीजिए आप लोग। अच्छा सर, कैसा रहा मोनी के क्लास बताइए आप लोग। एक्सप्लेन अच्छा की सर, बट वहाँ जो कैमरा हिल रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा था सर, मतलब बॉडी बॉडी ले रहा था। हाँ वो कैमरा इनका कोई लेकर कैमरा कर रहा था मतलब। हाँ और कोई, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, और इनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो शिक्षा प्रक्रिया इनका है उसमें कोई कमी बेसी सर? ठीक पढ़ाई, ठीक पढ़ाई, चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ मोनी देखिए, हम अभी तक और लोग भी पढ़ाए, उन लोगों का ब्लैक बोर्ड यूज करने का तरीका और आपके यूज करने का तरीका में बहुत मतलब अंतर रहा। वो हम देख रहे थे कि वो लोग पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक बोर्ड के बीच में आ जाते थे, या फिर लिखते वक्त जो 45 डिग्री का कोण मेंटेन करना रहता है वो लोग, उन लोग से नहीं होता था, सीधे सीधे लिखने लगते थे या थोड़ा बहुत होते थे। लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम देखे कि आप पूरे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होके बोली हो, चाहे जिस तरह जब छिक गया हो, आप जो मतलब ब्लैकबोर्ड स्किल का प्रयोग होना चाहिए जिस तरह से अपने शिक्षक के दौरान, वो आपका बहुत ही अच्छा रहा। हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे जरूरत होता था वैसे मिटाती थी, फिर उसके बाद तुरंत लिखना शुरू करती थी, और हमेशा एक ऐसे एंगल पे खड़े होकर लिख रही थी कि कुछ भी लिख रही थी वो छिप नहीं रहा था। और आप लोग से एक चीज और बता दें कि आप लोग जब ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़े भी होंगे कुछ कोचिंग संस्था में, वो लोग जब पढ़ाते हैं तो जब अपना चीज लिख लेते हैं तो एक बार जरूर ये शब्द बोलते हैं कि आप लोग इसको लिख लीजिए, यदि लिख लिए हैं तो हम इसको इरेज करें। आप लोग जैसे पढ़ा के खत्म करते तैसे मिटा देते हैं, यही आदत अगर जो रहेगा तो जैसे क्लास में पढ़ा के खत्म कर देंगे वैसे मिटा देंगे। तो क्लास में क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो अपना लिख लेंगे, कुछ बच्चों का छूट जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार मतलब ये एक है पूरा करने का चीज, तो इस चीज को आप जरूर एक बार पूछ लीजिए, जैसे एक आदत आपका यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, वहां पे सिखाया नहीं जाएगा, तो इसलिए आपको ये बताया जाता है कि आप जब पूरा लिख लेते हैं आप ब्लैक बोर्ड पे तो एक बार जरूर बोल दीजिए कि आप लोग लोग नोट डाउन कर लिए, तो या हाँ या ना जो भी आएगा इधर से, फिर उसके बाद आप मिटाइए, जैसे लिखे वैसे मिटाए, जैसे लिखे वैसे मिटाए, तो ये हो जाता कि बस एक तरह से पढ़ा के हटने वाला प्रक्रिया, मतलब एक धैर्य के साथ पढ़ाइए। टीचर के जो होता है, टीचर क्या होता है एकदम धैर्य के साथ पढ़ाता है,
वो आपकी सबके अंदर वो चीज हम देखे अच्छा था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे तुरंत मिटाना मत शुरू कर दीजिए, एक बार जरूर पूछ लीजिए कि हो गया कि नहीं। अब मोनी वाले में देख रहे थे जैसे जैसे होता था एक एक लाइन दो दो लाइन चार चार लाइन लिखाता था मिट रहा था, हमें अच्छा लगा कि मतलब आप ब्लैक बोर्ड स्किल बहुत अच्छे से यूज की, पढ़ाने का शैली भी बहुत अच्छा था, बोल भी अच्छे से रही थी, सबको स्पष्ट क्लियर हो रहा था, आपके आपकी आवाज में भी ऐसे ओझता थी कि मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं था कि जो शब्द बोल रहे किसी को दूसरा कुछ सुनाई दे। और बगल में पीरियाडिक टेबल जो आप लगाई है वो मतलब इतना छोटा है कि मतलब दूर से तो नहीं दिखा, लेकिन अगर जो जब हाथ में ही कैमरा था तो उसको थोड़ा सा फोकस करके दिखा देते कि देखिए ये एलिमेंट को ऐसे रखा गया, ये इसमें है, ये इस ग्रुप में है, ये इस ग्रुप में, थोड़ा सा और इफेक्टिव हो जाता। बट आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा रहा आपका, ठीक। तो अभी आप लोगों के लिए लंच का टाइम जैसे 1:15 थोड़ा क्लास खींचा गया है, तो आप लोग का 15 मिनट का लंच करते हैं, फिर हम लोग फिर 1:45 पे जुड़ेंगे और लिंक ओपन ही रहेगा, तब तक आप लोग लंच के लिए अपना लंच कर लीजिए या फिर थोड़ा जो भी रेस्ट करना है अपने अपना कर लीजिए, ठीक। 1:45 पे फिर हम लोग जुड़ेंगे और डीएलएड वाले तैयार रहेंगे, इस बार डीएलएड वालों का होगा। डीएलएड के कौन कौन स्टूडेंट हैं? डीएलएड के स्टूडेंट कोई है? हेलो सर। हाँ डीएलएड का, हाँ अपना नाम बताइएगा। और कोई नहीं है सर। डीएलएड का कौन स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए। नीतू कुमारी है सर, नीतू कुमारी। हाँ केवल नीतू कुमारी है ना, ठीक जी। तो आप डीएलएड वाले तैयार रहिए, शुरुआत हम डीएलएड वालों से करेंगे क्योंकि डीएलएड वाले अभी तक एक भी नहीं किए। सर कोई नहीं अकेले। हाँ ठीक है, आप ही से शुरुआत करेंगे, आप ही अकेले हैं तो आप ही कीजिएगा। बट ये लंच टाइम होने जा रहा है, लंच टाइम 1:45 पे फिर से जुड़िएगा सब लोग, 15 मिनट का लंच है, ठीक। चलिए ये लिंक ओपन ही रहेगा। अगर हम ये शून्य है, ये एक बना दिए
क्योंकि इसमें दो ही भुजाएं हैं, कोई भी त्रिभुज बनने के लिए तीन भुजा की जरूरत पड़ती है।